नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने पैनासोनिक के फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं और साथ में अलार्म टोन भी आपको बताऊंगा और जो छोटी मोटी बोनस जानकारियाँ होती है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, यानी कि एक तरह से ऑल इन वन सेटिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है अलार्म की। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अलार्म सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना डेट, इस पर आपको टाइप करके रखना है। तो यहाँ से तो आया ही नहीं, तो चलिए दूसरी जगह से चलते हैं क्योंकि मैंने भी ज़्यादा इस फ़ोन को चलाया नहीं है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है नीचे में और यहाँ पे आपको क्लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो क्लॉक पे चले जाना है। और क्लॉक पे जाने के बाद आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ गया और इसमें आपको यहाँ पे अलार्म दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं ना, ये अलार्म है आपका, ओके, पहला वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म पहले से सेट है। तो फटाफट से मैं पुराने जितने भी अलार्म सेट है मेरे उन सभी को डिलीट करूँगा। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जितने भी अलार्म मेरे सेट है पहले के उनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं आपको फ्रेश अलार्म लगा करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फटाफट से मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी तरह से यहाँ पे आपको डिलीट करना भी आ गया लगाने से पहले। तो चलिए लगा करके देखते हैं। यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना है होगा कि आपको ये वाला अलार्म पे जाना है और अलार्म पे जाने के बाद आपको प्लस के आइकन पे चले जाना है। प्लस के आइकन पे जाने के बाद ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए थ्री रेड में है तो अभी आप आर सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको कितने बजे का अलार्म लगाना है, सुबह के 5 बजे का अलार्म लगाना है सपोज़ करो। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 5 पे चला जाऊँगा, तो यहाँ पे 5 हो गया और अब रेड यहाँ पे इस तरफ जा चुका है, यानी कि अभी मैं जो सेलेक्ट करूँगा वो मिनट होगा। ओके, तो 5 बज के जितने मिनट पे लगाना है तो 5 बजे लगाना है ना पूरा, या 5:30 पर लगाना था 5:30 कर लूँगा। अब सुबह में लगाना है या शाम में लगाना है, सुबह वाला जो समय होता है AM का होता है और इवनिंग वाला PM का होता है, तो सुबह में लगाना है तो AM पे रहने दीजिए। ओके, रेड जिस पे होगा वो चीज़ सेलेक्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अलार्म एक सेट हो चुका है। अब इसी तरह से अगर आपको दूसरा अलार्म लगाना है तो आप यहाँ पे प्लस पे जा करके इसी तरह से जो भी आपको टाइम सेलेक्ट करना है, जैसे कि इवनिंग में लगाना है आपको 7 बजे का, तो आप यहाँ पर इवनिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 7:05 का मैंने कर दिया। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे दूसरा वाला अलार्म मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ, पहले वाले पे चलते हैं। तो पहला वाला अलार्म यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए अलार्म लगाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, अब देखिए अलार्म में जो सबसे पहला चीज़ होता है वो रिपीट का होता है। रिपीट का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा। रिपीट का मतलब ये होता है कि आपका अलार्म जो आपने सेट किया है वो सिर्फ आज के लिए है या फिर हर दिन के लिए है। तो एवरी डे के लिए है तो आप एवरी डे पे कर सकते हैं, या फिर वर्क डेज के लिए है तो आप वर्क डेज अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि वर्क डे नॉर्मली क्या होता है, मंडे होता है, ट्यूजडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ होता है। या फिर सिंगल डे के लिए है तो आप कोई सिंगल डे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर मैनुअली आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जब भी सिंगल पे जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वर्क डे पर भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि संडे को मुझे कोई काम नहीं होता, संडे को रहने देता हूँ, बाकी दिन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप रिपीट में कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आप क्लिक करके कर सकते हैं चीज़ें। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइब्रेट का ऑप्शन। वाइब्रेट का ऑप्शन का मतलब होता है कि जब आपका अलार्म यहाँ पे बजेगा तो उस समय मोबाइल वाइब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर चेकमार्क होगा ये तो मोबाइल वाइब्रेट भी करेगा, चेकमार्क नहीं होगा तो मोबाइल वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करेगा। और मेरा कैमरा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा, मैं कैमरे को एक बार फोकस करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है आपका रिंगटोन। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन आपको मिल जाते हैं अलार्म से रिलेटेड। ओके, तो इसमें से जो भी आपको पसंद आता है आप इस तरह से सेट कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मोर रिंगटोन पे जा सकते हैं और यहाँ पर जा करके आप यहाँ पर जस्ट वन पे क्लिक करके और जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपकी आ जाएगी और जो भी आपकी म्यूजिक व्यूजिक होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक आ गई, ओके कर दोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं बैक चला जाऊँगा अभी और इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये अच्छा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए एक लेवल होता है। लेवल का मतलब होता है कि ये अलार्म किस पर्पज़ से चाहिए, ट्यूशन के लिए चाहिए आपको या फिर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, जो भी आपको करना है वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि किस काम के लिए अलार्म बज रहा है। साइलेंस आफ्टर 10 मिनट, और ये जो चीज़ यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा ना बहुत सारे फ़ोन में स्नूज के टर्म में दिखता है, तो साइलेंस आफ्टर 10 मिनट मतलब कि कितने मिनट बाद आपका अलार्म यहाँ पे साइलेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप जा करके क्लिक कर सकते हो, जैसे कि आपका अलार्म कितने देर तक बजना चाहिए इसको हम ऐसे समझते हैं।
तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा अलार्म 15 मिनट तक बजे और 15 मिनट के बाद बंद हो जाए, तो मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और डिलीट का तो बता ही चुका हूँ कि अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, और फिर से वापस से सेट करना है तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे अलार्म के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता चल चुका है। पैनासोनिक के किसी भी फ़ोन में आप इसी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्त मित्र फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।